स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई में, और मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश तिवारी। तो दोस्तों, आज है 16 दिसंबर, हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो अरविंद बोबड़े। दोस्तों, इसकी डिटेल आप नोट करें तो आपको पता होगा कि जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह रंजन गोगोई थे, और अभी हाल ही में अरविंद बोबड़े नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, इन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्निवल महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों, हॉर्निवल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया गया। दोस्तों, इसकी डिटेल आप नोट करें तो इसे जो है दोस्तों वो नागालैंड में मनाया गया है। इंडियन पक्षी के नाम पर इसे रखा गया है। दोस्तों, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 दिसंबर को की गई थी, और नागालैंड की स्थापना दोस्तों यह मनाया जाता है इस दिवस के रूप में। तो यहाँ पर जो इसकी शुरुआत 1963 से मनाया जा रहा है, और 1963 1 दिसंबर को भारत का 16वां राज्य बना था दोस्तों नागालैंड। यहाँ की राजधानी जो है कोहिमा है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कॉप 2025 कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों, स्पेन में हुआ था। इसकी डिटेल आप नोट करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आपको याद है स्पेन इसका सही उत्तर है, और स्टेट के मैट्रिक में 2 से 13 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP25 आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, ये डिटेल आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट शिवांगी बनी है। दोस्तों, नौसेना को सब पायलट शिवांगी के रूप में जो मिली है, नई पायलट मिली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन जोखिम निम्नीकरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। इसकी डिटेल आपको नोट करनी है तो ये डिटेल आप नोट कर लें दोस्तों। दिल्ली के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित टीकाकरण से छोटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 2.0 इसे सरकार ने चालू किया दोस्तों। तो इस मिशन के तहत होना क्या है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डिथीरिया, खांसी, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस, इन सब बीमारियों से जो निजात देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी ग्रामीण प्राइवेट खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है दोस्तों। तो अभी लुइस हैमिल्टन ने अबू धाबी ग्रांड प्री खिताब से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों का नया अध्यक्ष देश किसे बनाया गया? तो सऊदी अरेबिया को दोस्तों अभी G20 का नया देश बनाया गया दोस्तों। यहाँ बात करी जाए G20 की, तो यह होता क्या है? यह एक यूरोपियन और प्लस 19 देशों को मिलाकर एक G20 बनता है। इसका पहला अध्यक्ष देश था जापान। तो अभी हाल ही में ये सऊदी अरब जो है वह भारत का अध्यक्ष देश बनाया गया दोस्तों। हाल ही में मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच शुरू हुआ है? तो दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिटेल आप नोट कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।